हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आपको सी सेक्शन डिलीवरी के बाद मालिश जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद मालिश का एक अपना ही अलग फायदा होता है। सबसे पहला फायदा कि आपको मेंटली जो स्ट्रेस होता है उसमें बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। एंड दूसरा फायदा, आपकी जो पूरी बॉडी में पेन रहता है बहुत ही ज्यादा, आपकी एक एक हड्डी दर्द करती है उसमें भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और तीसरा फायदा, और आपकी जो मांसपेशियां होती हैं उनको भी बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पूरे 9 मंथ तक प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है तो आपकी मसल्स बहुत ज्यादा खिंचती हैं, एंड आपके घुटनों पर, आपके पैरों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और आपकी कमर पर एंड आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, बिकॉज वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारी बॉडी को झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से जो आपकी एक एक हड्डियां होती हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए आपको मालिश जरूर देनी है। देखिए होता क्या है, अगर आप मालिश नहीं कर पाती हैं तो आपको शुरुआत में तो ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा आप नोटिस करेंगी आपके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द और सर में दर्द बहुत ज्यादा ही रहेगा, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। तो इसलिए आप मालिश जरूर करवाएं। बस सी सेक्शन होने के बाद आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी है। सबसे पहली बात, ऑपरेशन होने के लगभग 1-1.5 महीने तक आपको दर्द और पेन और अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा रहता है, तो आपको क्या करना है कि शुरुआत के दिनों में आप चाहे तो अपने हस्बैंड से हाथों और पैरों में एंड सर में हल्की हल्की मालिश करवा लें, एंड आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें हल्के से दर्द का ट्यूब लगवा लें, एंड जब आप 1.5 महीने बाद काफी अच्छा फील करने लगती हैं तभी आप दाई माँ से मालिश करवाएं, क्योंकि दाई माँ जो होती हैं वो मालिश को अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही कस के और प्रेशर दे के करती हैं, तो आपकी बॉडी शुरुआत में झेलने लायक नहीं होती है, लेकिन 1.5 महीने बाद पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो आप अगर उनसे मालिश करवाती हैं तो अपनी बॉडी को ऐसा रखिए ताकि आपको पूरा फायदा मिले, क्योंकि जब तक आपके बॉडी के एक एक पार्ट में बहुत ही कस के मालिश नहीं होती है तब तक आपकी बॉडी का दर्द भी गायब नहीं होता है। और मैंने भी ऐसा ही किया था और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको 1.5 महीने बाद लेट कर बिल्कुल भी पीठ में मालिश नहीं करवानी है, बैठ के ही करवानी है, क्योंकि आपके बाहर के टाँके सही होते हैं ना कि आपके अंदर के टाँकों को 6 महीने का टाइम लगता है, तो इसलिए आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। सर पर आपको तेल जरूर ठोकना है, आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें एंड काफी अच्छे से चंपी करें। और दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि जरा सा तेल लेते हैं, तो आपको अपने सर पे जरा सा तेल नहीं, ढंग से तेल डलवाना है, क्योंकि देखिए उस टाइम आपको ये नहीं देखना है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है या बहुत ज्यादा तेल हो जाता है, इन सब से मतलब नहीं है। उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी को रिलैक्स देना। घाव एंड दर्द और सूजन होती है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक होने में, तो 1.5 महीने में काफी ज्यादा रिलैक्स मिल जाता है। इस बीच अगर आप अपने पेट पर मालिश कराती हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, मैंने भी करवाई थी। अगर आप थोड़ा सा कसके भी करवा देती हैं तो भी दिक्कत नहीं होती है, बस हल्का फुल्का सा दर्द होता है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, अब ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा बहुत तो हो गई, ठीक है। 1.5 महीने बाद मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आपको अपने पेट पर मालिश जरूर करानी है, क्योंकि क्या होता है डिलीवरी के बाद, फिर चाहे वो सी सेक्शन हुआ हो या फिर आपकी नॉर्मल हुई हो, तो जो आपकी खाल होती है पेट की वो एकदम से ढीली पड़ जाती है एंड आपका पेट भी लटक जाता है, तो जब आप उस पर अच्छे से मालिश करवाती है तो जो आपका पेट होता है वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है, और डिलीवरी के बाद जो मालिश होती है वो आपका वेट कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। आप इस चीज को नोटिस करेंगी, अगर आप 1.5 महीने बाद लगातार 1 महीने तक अपने पेट पर मालिश करवा लेती हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका पेट काफी हद तक कम हो जाता है। और आप एक बात ध्यान रखें, मालिश आपको हमेशा ऐसे इंसान से करवानी है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो हर तरीके से। मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो दाई माँ वगैरह होती हैं आप उनसे मालिश जरूर करवाएं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही बढ़िया से मालिश करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप पेट पर मालिश करवा रही हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप उनको तुरंत ही बता दें। आप ऐसा ना करें कि आप झेलती जा रही हैं, ये गलती बिल्कुल ना करें।
जब आप दाई माँ वगैरह से मालिश कराती हैं तो वो इतने अच्छे से मालिश करती हैं आपके शोल्डर पर, आपकी रीढ़ की हड्डी पर, आपके हाथों पर, आपके पैरों पर, मतलब उनका एक बिल्कुल अलग ही तरीका होता है। तो आप जरूर करवाएं और आप महसूस करेंगी आपकी बॉडी एकदम से रिलैक्स हो जाती है। अगर आपका सी सेक्शन सर्दियों में हुआ है तो आप जो है सरसों का तेल ले एंड उसमें लहसुन के 2-4 पीसेस डाल के उसी में भून दे, या फिर आप अजवाइन डाल के उसी में भून सकती हैं। आप उस तेल से मालिश करवाएं तो आपको दर्द में बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जब आप लहसुन के तेल से मालिश करवाती हैं तो आपकी बॉडी में महक वगैरह जरूर आएगी। आप इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आप मालिश के बाद 1-1.5 घंटे बाद जब नहा लेंगी तो आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि सरसों का तेल मालिश के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और अगर हो सके तो आप कम से कम 1 महीना मालिश करवाएं एंड डेली करवाएं, और अगर इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो कम से कम आपको 20 दिन मालिश जरूर करवानी है। इससे कम ना करवाएं, क्योंकि 9 महीने तक बॉडी इतना कुछ झेलती है, तो कम से कम उसको 20 या 30 दिन तो आपको देना ही चाहिए, ताकि आपके एक एक पार्ट को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिले एंड वो भी जल्दी से जल्दी रिकवर हो। मालिश को लेके अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकती हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।